अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज था जुम्मा, जुम्मे के पूरा दिन बहुत 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 हेक्टिक था। आज मैंने न्यू ड्रेस पहना था, मैं उसको आपको दिखा रही थी शीशे में। लाइट ऑलिव कलर है, लाइट ऑलिव कलर के साथ मैंने ये दुपट्टा लिया था, साथ में स्कार्फ। जुम्मा था तो मैंने कहा जुम्मे के हिसाब से रेडी होते हैं नवे कपड़े। असं पता नहीं क्यों व्याह माते सुहा के सुने पाने वास्ते रखे होंगे ने जुम्मे वाले दिन। मैं ये मैंने अपने से कुछ महीना कड़ी करने की कोशिश की है। ये लास्ट में आपको दिखाती हूँ छत पे जाके, वो यहाँ पे अच्छी लाइट नहीं आ रही थी, उनका बाहर जाकर दिखाती हूँ आपको। ये साथ मैंने शूज़ पहने थे, दूसरी वाली चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मेरे पास को था नहीं, मैं खुद ही आपको ऐसे दिखा रही थी। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस रेसिपी की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे फर्स्ट चैनल पर आपको जाना होगा, दूसरे पर यम्स किचन, उसका जो लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। और यकीन करें जुम्मे के दिन जो बिरयानी बनी थी ना, बहुत उसका टेस्ट बहुत 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 मज़े का था, सबने पसंद की थी। ये साथ साथ उसमें उसकी प्रिपरेशन थी, ये साथ में मैंने दाल बनाई थी, आटा गूंदा था, वही घर के काम। मम्मी बीमार हुई थी और छोटी बहन का पेपर था, वो पेपर देने गई थी। और तीन बंदों का काम मैं अकेली ने किया। बहुत भारी दिन था यार। पहले मैंने हल्के से प्याज को फ्राई करके, दाल को पहले बॉयल कर लिया था नमक मिर्च डाल के, उसके बाद मैंने प्याजों को हल्का सा करके फ्राई, कड़क वो डाल दी थी उसमें। ऑयल के अंदर मैंने मसाला जीरा और धनिया मैंने पहले ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट वगैरह बना के, जैसे दाल को तड़का लगाते हैं ऊपर, मन हम तो ऐसे लगाते हैं, आप लोग कैसे लगाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो और ब्लॉग अगर अच्छे लगते हैं तो यू थम्स अप एंड लाइक एंड शेयर। ये मैंने साथ में इसकी चटनी बनाई थी, ग्रीन जो है ना सब्ज मिर्चें, हाथ में धनिया। पुदीना नहीं है हमारे घर, पता नहीं क्यों बारिश जब से हुई है वो जल गया सारा, सड़ गया। मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहा, मैंने कहा कुछ मिले तो मैं उसको लगा दूँ, वो ऐसे भी उग जाता है। मतलब अगर आप चॉप से लेने जाएँ तो वो जो पूरी डंडी हाली करते हैं ना, फिर जो पत्ते होते हैं वो उतार लें, जो लास्ट की जो टिप होती है ना वो आप छोड़ दें, उसको सबको इकट्ठा करके पूरी मुट्ठी जो जैसे गड्ढी मिलती है वो सारा एक जगह पर लगा दें मट्टी के अंदर। वो कुछ दिनों के बाद खुद ही जो ना उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, खुद ही ग्रो कर जाएगा। मुझे मिल जाए तो फिर मैं लगाऊंगी। साथ में चटनी बनाई थी को ग्राइंड किया था, साथ में दही ऐड किया था, थोड़ा सा घर का और थोड़ा सा डब्बे वाला मिक्स किया, तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। साथ में नमक ऐड कर लें, अगर नहीं इसके साथ मिर्चों वाले इसके साथ तो आप सिर्फ दही के अंदर ज़ीरा और लाइट सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको ना पिक्चर्स दिखाती हूँ ज़रा मैं इसकी बिरयानी की। थोड़ा सा इसे पानी भी ऐड कर, क्योंकि ये ग्राइंडर में ग्राइंडर चलती नहीं है, दोबारा फिर मुझे पानी डालना पड़ा था इसके अंदर, मैंने इसका ग्राइंड किया था। टन टन है चाती नहीं, मैं दही में ऐड कर लिया था, ये मैंने निकाला था इसके अंदर मिक्स किया। ये काम तो हो गया, चावल भी आधे तैयार थे, दाल मैंने पहले बॉईल कर ली थी, आटा मैंने गूंद लिया था। ले लिए वाह, समोसों के साथ अगर अगर चटनी देखी हो ना तो वो तो मुझे लगता है पानी और लस्सी देते हैं वो आपको। ये हम बिरयानी के ऊपर लगाने के लिए छोड़े थे हमने कुछ प्याज, ये देखें बिरयानी का मसाला। इसकी रेसिपी आप ज़रूर आप ट्राई करना, मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देखना आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी। शाहकारियाँ देखो ज़रा सलाद के अंदर, ये देखें बिरयानी उफ, ये देखो एवं शोहियाँ पिक्चर्स। ये देखें बिरयानी, ये मैं उसके शॉर्ट्स ले ली थी बनाते हुए, साथ में मैंने इसमें वीडियो ऐड कर दिया, क्लिप इसके अंदर भी ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा काम हो गया था ख़त्म। लिटरली मैं सुबह 10 बजे की किचन में गई हुई, 2 बजे बाहर आई हूँ, इतना काम इतना काम इतना काम। साथ मैंने वीडियो बनाई, देखे हैं कि एक निक्की जी जान तो इन्हें सियापे निकलने वाले। उसके बाद मैं ये हमारे पास केटो मानू है, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखे हो तो उनके शॉर्ट्स वगैरह मैं ऐड करती हूँ, वो बहुत मज़े आते हैं। दाने ऊपर जो तोते हैं उनके लेके जाने थे,
अभी भी मैंने उनके लेके जाने हैं, मैंने कहा पहले वॉइस ओवर कर लूँ फिर जाती हूँ। उनका खाना वगैरह पड़ा हुआ इधर, इनको बंद किया हुआ, ये रुकते नहीं है, जाते हैं सिर्फ मट्टी में, सिर्फ मट्टी में। ये हम सीने बजाते, मैं छोटा सा नन्ना सा बाग। ऊपर मैंने पौधे लगाए नए नए वाले, यहाँ पे नीचे ये क्लियर किए थे, ये इस तरफ इस तरफ। और इस मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हुआ हुआ था ना, ओ वाह, वो सनसेट देखे बहुत अच्छा लग रहा था। नींद पहले बारिश हुई, ठंडी ठंडी हवा चली, मिड में थोड़ा सा धूप निकली, उसके बाद दोबारा फिर ये हो गया। देखे मैंने लगाए आलू सलाद, ये इसमें जल गए, ये देखें सलाद पत्ता छोटे छोटे छोटे, ये भी आलू हैं, वो भी आलू है, ये धनिया लगाया मैंने, ये नीचे देखिए। वाह, सबसे पहले ये लगाए थे, ये जल्दी हो गए हैं। पालक धनिया सब्ज़ मिर्चें हैं, साथ में टमाटर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह उगाए हैं ये। आप भी गार्डनिंग करते हैं घर में? ये शीट ये आगे टूटी हुई थी, ये यहाँ पे भी आलू लगाए हैं और साथ में धनिया वगैरह। धनिया जल्दी मतलब जल्दी नहीं होता, लेकिन उसको पानी के अंदर डिप करके रखें 3-4 दिन के, तो वो इतना पानी सॉस कर लेता है। ये हमारे तोते जो मैं दाना डालने आई थी, कुछ डाला कुछ बाकी रख दिया। देखे ये ऊपर अकेले शिफ्ट है, वो इनको भी लेके आते हैं, मानो कोको वगैरह को भी, वो ऊपर रुकती नहीं है, वो नीचे आ जाती है। ये मैं उसका दाने वाला बर्तन निकाल दिया, वो उनसे निकल नहीं रहा था। एक हाथ से कैमरा फटिया आवे तो दूजे हाथ नाल काम कर देता, वो होता तो नहीं ना। फिर उसको नीचे रखा, ये दोबारा डाला, बाकी के मैंने वहाँ पे सेव करके रख दिए थे। इसका मैंने लॉक लगा के बंद कर दिया था, फिर इनको बंद किया, ऊपर ठंड ज़्यादा होती है तो मैंने इसको कवर कर दिया था। इन्हीं को बंद करने के लिए गई थी ऊपर, इस टाइम कब एकदम से आए, पता नहीं इनको क्या हुआ था, बहुत अरसे के बाद मतलब ऐसे परिंदे इकट्ठे हुए हैं। कभी तो अब नज़र नहीं आते, कहीं एक एक दो बस। हाँ वो एक छोटा सा होता है परिंदा, जैसे चिड़िया होती है वैसे, पर उसको बोलते पिद्यम, वो उससे भी छोटी होती है बिल्कुल, इतनी मतलब हम दो उंगलियां सीधी करें ना बिल्कुल, इसके मिट में जितना सारा साइज होता है ना, इतनी सारी होती है उसे। उसने अंडे भी दिए थे हमारे माल्टे के पौधे के ऊपर, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहाँ से उसको नज़र आ गया बिल्ली को, तो वो खा गई। इतने प्यारे उसके बच्चे हुए थे, बड़े बड़े बस उड़ने वाले रह गए थे, पता नहीं कैसे कहाँ गई है वो। देखिए तब मुझे बादल बने हुए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, सॉरी व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से। ये हमारा नीचे वाला बाग है, यहाँ पे हमने लहसुन पालक मूलियाँ और पता नहीं क्या क्या, ये मम्मी ने लगाया, और ऊपर ये मैंने छोटा सारा बाग। चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कप खाली हो गया था, मैंने कहा उस वाले कमरे में जाके, वहाँ पर खिड़की है सामने, वहाँ पर फ़ोन रख के, फ़ोन टिक नहीं रहा था, मैंने कहा फ़ोन टूट जाए बस सूट बहा देना। ये देखें ये जूता अब नज़र आ रहा है, ये जो है ना मैंने सिलाई के साथ इससे थोड़ी मीना कड़ी करने की कोशिश की है। ये अच्छा बन गया था, उसके बाद जो मैंने वो पफ पफ वाले बनाए हैं, और जो उसके टसल्स होते हैं ना इसी कपड़े से मैंने उसके टसल्स बनाए और बैक साइड पे लगाए थे, मुझे अच्छा लगा था। ये देखे ये आपको मैं ड्रेस दिखा रही थी, फोन टिक नहीं रहा था। ये आप देखें, ये देखें जी, ओके बाय बाय।